दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है पेट्रोल डीजल कारों पर प्रतिबंध लगने जा रहा है? चलिए पता लगाते हैं कब बंद हो रही हैं पेट्रोल और डीजल की कारें। सदस्य देशों ने 2035 तक नई पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों एवं वैन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौता किया है। दुनिया भर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री अब इलेक्ट्रिक व्हीकल की करवट बैठ रही है। पर्यावरण की सुरक्षा, पारंपरिक ईंधन के सीमित भंडारों को देखते हुए अब पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों पर प्रतिबंध की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। इस बीच यूरोपीय संघ की एक ओर से एक बड़ा कदम उठाने की खबरें सामने आ रही हैं। यूरोपीय संघ के देश 2035 तक अपने यहां पेट्रोल डीजल वाहनों की बिक्री पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने पर सहमत हो गए हैं। यूरोपीय संघ ने 2035 तक पेट्रोल डीजल कारों पर प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी। 28 अक्टूबर यूरोपीय संसद में यूरोपीय संघ के सदस्यों ने वर्ष 2035 तक नई पेट्रोल डीजल से चलने वाली कारों एवं वैन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक समझौता किया, जिसमें ईयू की वार्ता के बीच एक समझौते पर बृहस्पतिवार रात को सहमति बनी। यह फिट फॉर 55 का यह पहला समझौता है। आइए समझते हैं यह फिट फॉर 55 क्या है। इस दशक में वैश्विक ताप वृद्धि का कारण बनने वाली गैसों के उत्सर्जन में कटौती के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यूरोपीय आयोग द्वारा गठित फिट फॉर 55 पैकेज का यह पहला समझौता है। यूरोपीय संघ ने कहा है कि यह समझौता संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन से पहले एक स्पष्ट संकेत है कि यूरोपीय संघ अपने जलवायु कानून में निर्धारित अधिक महत्वाकांक्षी लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए ठोस कानून अपनाने को लेकर गंभीर है। यूरोपीय संघ के आंकड़ों के अनुसार परिवहन की एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां पिछले 3 दशकों में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ा है। परिवहन उत्सर्जन 1990 और सन 2019 के बीच 33.5% तक बढ़ गया है। यात्री कारें प्रदूषण फैलाने में अहम भूमिका निभाती हैं। ईयू के सड़क परिवहन से पैदा होने वाले कुल कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का 61% सिर्फ यात्री कारें ही हैं। 2050 तक जलवायु तटस्थता का लक्ष्य रखा गया है। 2050 यूरोपीय संसद में पर्यावरण समिति के प्रमुख पास्कल कैनफिन के अनुसार यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, क्योंकि यह पहली बार 2025, 2030 और 2035 में लक्ष्य के साथ एक स्पष्ट शून्य कार्बन उत्सर्जन मार्ग को परिभाषित करता है। यह वर्ष 2050 तक जलवायु तटस्थता के हमारे लक्ष्य के साथ जुड़ा हुआ है। दोस्तों, इस पूरी कहानी से यही समझ में आता है कि इसका निचोड़ यही निकल के आता है कि क्या पेट्रोल डीजल कारें अगर बंद हो जाती हैं तो क्या इलेक्ट्रिक कारें जो है इसको पूरी तरीके से रिप्लेस कर पाएंगी। तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम इसी तरह का कंटेंट आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।